बातें मत कॉपी करो। मुझे नहीं मन कर रहा था, मैंने आज भी सुनने कहा है। चीकू रो मत, तो रोएगा फिर मैं भी रोने लग जाऊंगी ना। रो मत भाई, आ जाएगा। प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलो, कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को बीमार होता देखे। कितना रोया तू, वहाँ पे नहीं मिलने दिया ना? नहीं मिलने देंगे तुझसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज वेलकम बैक टू न्यूयॉर्क। तो आज का लोग बहुत ही, अभी जा रहा हूँ मैं रेडी होके स्कूल, तो आपको मिलते स्कूल में। बाय मम्मा, बाय। अच्छे से अब लंच पूरा खत्म करके आना, ठीक है? दो पराठे पनीर के, ठीक है? तो आज मैं आज ना घर पे आके सो जाऊंगा जल्दी, क्योंकि मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी है। तो गाइस अभी मेरी फिर से गाड़ी खराब हो गई है, अभी जाते हैं पापा की गाड़ी में। गाइस अभी रेस लगाते हैं, टांगों का दर्द हो जाएगा, चलते हैं अभी। जो फिट है वही हिट है, ना माने हार वही लिट है। जो फिट है वही हिट है, ना माने हार वही लिट है। तूफान तेरी हर सांस में, ऊपर देखो आप बार। तो गाइस मैं अभी गाड़ी में थोड़ी देर लेट रहूँ क्योंकि मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। अब मैं सो रहा हूँ, जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। गुड नाइट। चीकू तो स्कूल आ गया। तो गाइस मैं अभी सो के उठ गया हूँ, अभी स्कूल है आ गया मेरा स्कूल, ये स्कूल की बस जा रही है अभी, मिलते आपको पक्की लोकेशन पे। तो गाइस मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो अभी जाते हैं ट्यूशन। तो आपसे मिलते हैं अभी घर पे, तो घर पे भाई बहनों से मिलते हैं। और क्या है ये? एक रोटी पूरी खाई है। तो इसको आपको अगर भूख लग रही है इसको खा लो। ना ना ना, इसको नहीं। तेरे मम्मी प्यार सपना कितनी तेरे को, रोटी सुबह सुबह उठ के। मेरी मैम की बातें मत कॉपी करो। कौन सी मैम की? मेरी दीप्ति मैम की। मैं थोड़ी जानती दीप्ति मैम को। दीप्ति मैम को मैं तो आपके स्कूल में फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई हूँ, दूसरी बार। ये खाना क्यों नहीं खाया आपने? मैंने नहीं खाया तो मुझे नहीं मन कर रहा था। तो गाइस बताऊँ टाइगर चाचू मेरे कैसे बोलते हैं? चीकू इधर राजू जरा खाना। कैसे बोलते टाइगर चाचू? चीकू मैंने आज भी सुनने कहा है। तो आज भूख लगी थी तो मैंने गोलगप्पे खा लिया, अभी जाते हैं घर। और बहुत टेस्टी गोलगप्पे है, मजा आ रहा। पापड़ी। थैंक यू थैंक यू। पैसे कौन देगा? दे दो। क्या हो गया इसको? बोल रहे हैं गोलगप्पा मुँह फंस गया, इसके मुँह फंस गया गोलगप्पा। यहाँ फंस गया, यहाँ भी फंस गया। चिकड़ी ये क्या हो गया? आ रहा है गोलगप्पा। ओ भाई चल ले लाए मेरे भाई, सुन ले यार, सारा पानी यहीं पी जाएगा क्या? देखो मम्मी की वॉच फेंक रहे तू, मम्मी की वॉच फेंक दी। ये देखो आपकी वॉच फेंक दी इसने, मैंने उठा ली। आज मैं स्कूल से आ गया हूँ, अभी जाते हैं ऊपर, पापा से मिलते हैं, फिर भाई बहनों से मिलते हैं। आज अभी ट्यूशन की छुट्टी होगी है और जाते हैं घर पे और मस्ती करते हैं। जो फिट है वही हिट है, ना माने हार वही लिट है। कितना पानी है कितना पानी नहीं है, तो फिर मैम ने आज डांटा फुल। आज अभी ट्यूशन की छुट्टी हो गई, अभी जाते घर पे थोड़ा मजा करते हैं और खाना खा के जाते नीचे खेल। ये कौन सी एक्सरसाइज है? चुप। हम तो पहुंच भी गए थे दिन को। मम्मा मम्मा, मैंने जायद के बिना ना सोना सोना लग रहा है घर के, वो चिल्लाता था ना, कोई चिल्लाने की आवाज ही नहीं है। मेरे को भी याद आ रही है बेटा, सबको याद आ रही है। कोई नहीं, आ जाएगा बेटा। मम्मा जब आप जाओगे ना तो मुझे भी लेके जाना, कल मुझे मिलने नहीं दिया था। पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। मेरी बात सुनो बेटा, बताओ क्या? जो बच्चे है ना वो छोटा है, वहाँ पे 1 kg का बच्चा आया हुआ है, वो छोटा सा, इतना सा बेबी है, वो प्री मेच्योर है। तो आप छोटे हो इसलिए आपको जाने नहीं दे रहे। जो निकू होता है ना ICU, उसमें बड़े लोग जाते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग जाते हैं। बेटा आप छोटे हो, मैं आपको ना खिड़की से दिखा दूंगी भाई। खिड़की से नहीं दिखता बेटू, बस 2 दिन की बात है। भाई आ जाएगा फिर आप उसको गोदी में रखना, ठीक है ना? इधर आओ, कोई बात नहीं, उदास मत हो। तेरी परवाह करता हूं मैं मां। चीकू रो मत बेटा, चीकू भाई घर आ जाएगा बेटी। ओ मेरे सोनी, ओए रो मत भाई आ जाएगा। चीकू चीकू रो मत, तू रोएगा फिर मैं भी रोने लग जाऊंगी ना। रो मत भाई आ जाएगा। चीकू बेटी रो मत, खड़ी हो मत रो जरा। देखो अगर आप चीकू
बात तो सुनो बेटी, रो मत, आप रोगी तो फिर मम्मा भी रोएगी ना। तो गाइस जब बच्चा घर पे नहीं होता ना, अब चीकू को जब वो घर पे तीनों दिखते हैं ना, इसको इतना वो नहीं होता। अब इसको दिख रहे हैं दो भाई बहन, एक नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी एहसास हो रहा है कि मेरा भाई कहाँ है। और कल भी जब इसको हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया ना, तब भी ये बहुत ज्यादा रो रहा था। और बच्चा तो बच्चा है गाइस, हम इतना नहीं पता चलता, लेकिन हमें पता है ना हमारा बच्चा घर पे नहीं है, तब भी उसके लिए रो रहा है। गोलू को भी रुला रहा है। ओ पागल, इधर आ, या थोड़ी देर नीचे खेल के आता, ठीक है, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और शाम को ना हम लेके जाएंगे ना, हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे मिलवाने की भाई को, ठीक है, या नीचे चला जाए। तो गाइस मुझे ना बड़े सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने पढ़े थे कि ना आपकी शायद डाइट की वजह से ऐसा हुआ है, आप ऑयली खाना खाते हो या बाहर का खाना खाते हो तो ज़ायद बीमार हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो खाती हूँ ना, मैं बाकी तीनों बच्चों को, मतलब दो बच्चों को और देखती हूँ, तुबा और अयान को, और वो दोनों भगवान का शुक्र है बिल्कुल परफेक्टली फाइन और हमेशा फाइन रहे। बाकी रही ज़ायद की ना, मुझे नहीं पता गाइस उसके साथ क्या हुआ, अचानक से हुआ है, अचानक से, क्योंकि ना जो उसको प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम ये थी कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे के साथ फंस गई थी, और जैसे वो फंसी ना तो जो अपेंडिक्स हमारा साथ में होता है उसमें सूजन आ गई, वो लाल हो गया, बिल्कुल रेड हो गया, सूज गया। तो उसकी वजह से ना उसको पेट में क्रैम्प्स आते थे, और बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते थे। तो जब मैं हरिद्वार थी ना, उसको पेट में क्रैम्प आई ना, तो मैंने वहां पर भी एक डॉक्टर था, मतलब कि मैं पैदल भाग कर गई, और वहां जाकर मैंने उसको एक जनरल फिजिशियन थे उनको दिखाया, उन्होंने बोला इसे गैस की प्रॉब्लम है, तभी वो शायद रो रहा है। क्योंकि जो अभी भी बच्चा रोता है ना, तो डायरेक्ट कोई भी अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं बोलता, वो पहले चेक करते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि कोई और प्रॉब्लम हो। तो डॉक्टर ने बोला गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का दवाई दी मेरे को, मैंने उसको दे दी। फिर रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, जब हम पहुंचने वाले थे ना, उसके एक घंटे का रास्ता रह गया था, उसको ना वॉमिट होने लग गई थी। तो जैसे ही वॉमिट हुई, मैं हरिद्वार से घर भी नहीं पहुंची, मैं सीधा डॉक्टर के पास गई, मैंने सब कुछ बताया, उन्होंने बोला इसको आप एडमिट कर लो, कोई फ्लूड की कमी ना हो जाए। फिर अगले दिन संडे था, अगले दिन डॉक्टर ने बोला इसकी रिपीट हिस्ट्री रही है बीमार की, तो एक बार मैं अल्ट्रासाउंड चेक करवा था, पहले भी ऐसे दर्द उठा है उसे, जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे दिक्कत पता चली। तो गाइस इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, देखो प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलो कि मेरे फूड की वजह से हुआ है। कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसी मां नहीं है जो अपने बच्चे को बीमार होता देखे, कभी भी नहीं। मैंने बहुत ही मन्नतों से हर जगह दुआ मांगी है, बहुत ही प्रार्थना की है जैद के लिए, तब जाकर वो मेरी गोद में आया है। तो प्लीज आप सब प्रे करो कि वो ना जल्दी से ठीक हो जाए। मम्मा सुबह ना आलू दही दे, ये आलू शिमला मिर्च, आलू और दही। दही के लिए तो मना कर रखा ना स्कूल में आपके, कोई बात नहीं, फिर मैम बोलेंगी कड़नी लेके आना, कोई बात नहीं। मैंने आपके लिए एक ऐसा टिफिन लेके आती हूँ जिसमें ना बिल्कुल सामान गिरता नहीं, फिर दही लिक्विड चीज होती है ना वो गिर जाती है ना, और एक वो बैग नहीं होता जिसमें लंच बॉक्स अलग से लेके जाते हैं, वो भी लेके आ जाऊंगी ना, ताकि स्कूल बैग में लंच डालना ही ना पड़े, आपको बाहर ही मिल जाए सब कुछ ना। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है फ्रूट का डब्बा किताबों के बीच में घुस जाता है, तो फ्रूट नहीं खा के आता है ना, होता है ना ऐसा, तुम बताता क्यों नहीं मुझे। आज भी उसने एक रोटी खाई है, दो पराठे बना के दे दे। मम्मा इतने बड़े बड़े पराठे थे, इतने बड़े परांठे इतने से टिफिन में आ जाएंगे, फोल्ड हो गए। चीकू खाना खा ले भाई, एक रोटी खाई है। मम्मा मुझे और नहीं खाना। खा ले बेटा। मम्मा और नहीं खाना। चीकू कुछ नहीं खाया, फिर कल स्कूल भी जाना है। और नहीं खाना। मम्मा सुनो, अब व्यास से मिलने कब जाओगे? चीकू अभी 9 बज रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि ना, डॉक्टर ने मुझे ना ये बोला है कि 9:30 बजे तक आप मिलने के लिए आ जाना। मम्मा मुझे नहीं, चीकू मम्मा मुझे भी जाना। चीकू देख मेरा वैसे भी बेटा, मुझे भी जाना। चीकू जिद मत कर। मम्मा मुझे भी जाना। चीकू बेटा नहीं बेटा, मम्मा मुझे जाना। जिद मत करो लास्ट। चीकू मैं कह रही हूँ जिद नहीं बेटा, मैं भाई वहाँ भी बीमार है, आपको बस स्कूल जाना है बेटा। देखो जब मम्मा प्रॉमिस करो कि आप कल मुझे दिखाओगे, मैं कल आपको लेके जाऊंगी, मैं डॉक्टर से जाकर आज, हाँ मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ कि आपको भी लेके जाए। अभी आप जिद मत करो, आपको स्कूल जाना है, मम्मी बहुत गुस्सा आएगी, पायल मम्मा बहुत गुस्सा आएगी। वो तू कल भी गया था, उन्होंने तेरे को मिलने नहीं दिया, नहीं मिलने दिया ना, कितना रोया तू वहाँ पे, नहीं मिलने दिया ना, नहीं मिलने देंगे तुझसे, वो सिर्फ मम्मा को मिलने देते हैं बच्चों को। आईसीयू में जो बच्चे भर्ती होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मम्मा उससे मिल सकती है, और पापा, बच्चे, नानी, नाना, दादा, दादी, कोई नहीं मिल सकता। एक बात बताओ गाइस, मम्मी इतनी दूर से आई थी, मामा जी इतनी दूर से आए थे, मामू आए थे, मम्मा भी आई थी, वहाँ पे निको और आईसीयू में दोनों में लिखा होता है ओनली मदर फादर अलाउड बेटा, क्योंकि वो जो जगह है ना, मैं भाई बेटा मैं समझती हूँ, भाई हो आप छोटे हो, वो जगह होती है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, क्यों नहीं समझ रहे हो। वहाँ पे मेरे को सिर्फ जैद नहीं देखना, जैद के अलावा वहाँ पे और भी बच्चे हैं, वो भी तो बच्चे हैं ना चीकू, अगर जैद बच्चे हैं तो उनको भी तो देखना है मुझे, अपने बच्चों को थोड़ी देखना है कि हम आपको मिलाने के लिए आपको रिस्क में, बच्चों को रिस्क में डालूं। वहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे और है, एक किलो का है गाइस, अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया था प्री टर्म बेबी हो गया था, और एक बेबी और है, बट क्या होता है आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चे जब भी
बच्चे होते हैं ना तो एक दिन निकू में रखते हैं, तो वो बच्चा शायद अपनी मम्मा को कल मिल जाए। नहीं मिलेगा गोलू, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो तो एक किलो का बच्चा है। पहले जो आज हम गए थे ना, आज भी तीन बेबीज थे, तो जैद हो गया एक किलो वाला तो बहुत छोटा था, उसके साथ एक और बच्चा था, वो शायद मैंने पूछा था ना आज डिलीवर हो, आज डिलीवर हुआ था सुबह, जो जैद के इस साल बेड पे था, बेड छोड़ के इधर वाला था। तो गाइस जो वो बच्चा तो ठीक है, बट छोड़ो वो बिल्कुल अस्त पुष्ट था, वो शायद अभी चला भी गया वो अपनी मम्मी के पास। ऐसा होता है ना, जैसे जैद भी था ना, वो एक दिन के लिए था, अयान एक दिन के लिए था, पर हमारी जो तूबा थी वो थोड़ी सी वीक हुई थी, तो तूबा दो दिन के लिए थी। आजकल के बच्चों को डायरेक्ट इसलिए भी नहीं देते पाल कि क्या पता टेम्परेचर चेंज हो, किस चीजें होती है। चीकू तू ना बेटा टाइम वेस्ट कर रहा है, फटाफट ना खाना खा ले, मैं तुझे सुला के मुझे बच्चे से मिलने जाना है वहाँ पे। कल भी तू 12 बजे सोया है, कल तू जिद कर करके हॉस्पिटल गया, वहाँ पे तेको मिलने भी नहीं आ, तेरा नींद भी पूरी नहीं, सुबह स्कूल के लिए तेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मत कर बेटा ऐसे, सो जा फटाफट।